हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल थॉमस राय। आज मैं जो आपका जो फैन स्लो हो जाता है उसमें जो कैपेसिटर का किस तरीका से चेक किया जाएगा उसके विषय में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। फैन स्लो होने का तो बहुत कारण होता है, लेकिन उसमें से सबसे मेन कारण जो आपका जो कैपेसिटर उसका जो पावर ख़त्म हो जाता है तब आपका फैन स्लो हो जाता है। फैन स्लो हो गया तो उसको कैपेसिटर ख़त्म हो गया करके कैसे पता करना है, तो उसको सबसे पहले आपने कैपेसिटर को फैन से बाहर उतारना है और उसके बाद में इस तरीके से चेक करना है। आपका पास आज मैंने तीन कैपेसिटर रखा हूँ, उसमें से एक बिल्कुल नया कैपेसिटर रखा हूँ, एक जो मीडियम पावर वाला कैपेसिटर रखा हूँ और दूसरा है बिल्कुल ही ख़त्म, इसका जो पावर थोड़ा सा बचा हुआ है वो वाला मैंने कैपेसिटर रखा हूँ। तो इसका जो आपने ध्यान से देखना है तो इसको किस तरीके से चेक किया जाता है, सबसे पहले कैपेसिटर को फैन से बाहर निकाल के, जैसे कि पावर ये 15 एम्पियर का सर्किट हो या 5 एम्पियर का सर्किट हो, उसमें किसी में भी आप इसको लगा सकते हो, इसको सिर्फ न्यूट्रल और फेस करंट देना है। तो सबसे पहले इसको पावर को आप डायरेक्ट ऑन करके भी कर सकते हो और बाद में इसको डाल के ऑन भी कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा बच के करना है क्योंकि इसमें करेंट आता है। तो इस तरीके से लगाना है, जैसे कि एक सिरे को डाल दिया और दूसरा सिरे को इस तरीके से। अब इसको टच करके देखना है तो देखिए ये स्लो, इतना इसका कोई पावर ही नहीं है, कोई जानी नहीं है इसमें, थोड़ा सा इसका जो आवाज़ आ गया, जैसे कि अभी जी इसमें थोड़ा मीडियम है, इसमें ये इसमें भी ज़्यादा नहीं है, नया नहीं है। तो इसको देखना है कैसा इसका, देखिए इसका थोड़ा पावर ज़्यादा है और ये है बिल्कुल नया कैपेसिटर। इसको देखिए कैसा, किस तरीके से इसको 2 से 3 सेकेंड तक इसको करंट देना है न्यूट्रल और फेस। देखिए कितना जोर से आवाज़ आ गया। अभी आपको ध्यान देने वाली बात, जैसे कि आपने इसको न्यूट्रल और फेस दोनों करंट दे दिया, उसको इसको टच करा के इसको डिस्ट्रॉय करना ही है, नहीं तो फिर आप ऐसे टच कर दिया तो आपको झटका लग सकता है, आपको जो करंट लगेगा। तो इसको सावधानी आपने अपनाए, जैसे कि आपने डाल दिया उसमें न्यूट्रल और फेस करंट दे दिया तो इसको डिस्ट्रॉय करना ही है, नहीं तो आपको करंट लग जाएगा। सीलिंग फैन में जो कैपेसिटर लगाने का जो वीडियो था मैंने काफ़ी सारा बना के डाला हूँ, 4 वायर वाला 3 वायर वाला दोनों वीडियो मैंने बना के डाल दिया हूँ, तो उसमें किस तरीका से कैपेसिटर को कनेक्शन किया जाएगा उसको वीडियो में आप देख के आप उसको फिर फैन में आप कनेक्शन दे सकते हो। जो घर में काम आने वाला वीडियो मैं बनाते रहूँगा, आप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइबर करके मेरे को सहायता कीजिए।